और नीतीश राजपूत मेड दिस अमेजिंग रिवील एनिमेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू अंडर 60 seconds. सो स्टार्ट करो अपनी पहली क्लिप को टाइमलाइन पे इम्पोर्ट करने से एंड फिर उसको ट्रिम कर लो एंड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लो. एंड सिमिलरली अपनी सेकंड क्लिप भी टाइमलाइन पे इम्पोर्ट कर लो एंड उसको भी ट्रिम एंड एडजस्ट करके अपनी पहली क्लिप के ऊपर सेट कर लो. एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत सिंपल है, सिंपली आपको एक वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड एक इफेक्ट डालते ही आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा. एंड ये वीडियो कुछ ऐसी दिखती है जो आपने नीतीश राजपूत के एनिमेशन में देखी होगी. सो अब आपको ये वीडियोस मिलेंगी कहाँ से? इन वीडियोस को हम लूमा एनिमेशन बोलते हैं. ये सारी वीडियोस मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा इस फोल्डर में, जहाँ पे आपको 10 डिफरेंट स्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको ये कैसे मिल सकती है. सो अब वापस आ जाओ अपनी मेन कॉम्पोजिशन पे, उधर जाके अपनी सेकंड क्लिप सिलेक्ट करो एंड फिर इफेक्ट्स पैनल पे जाओ, उधर जाके ट्रैक मैट की सर्च करो एंड उसको अपनी क्लिप पे इम्पोर्ट कर लो. अब अपने ट्रैक मैट की सेटिंग्स में जाके कम्पोजिट में जाके मैट लूमा को सिलेक्ट कर लो एंड मैट में वीडियो 3 को सिलेक्ट कर लो. सो वीडियो 3 आपके लिए चेंज हो सकता है क्योंकि वीडियो 3 कुछ नहीं है, बस लेयर का नाम है. जैसे आप देख सकते हो मैंने अपना लूमा एनिमेशन वीडियो 3 में इंपोर्ट करके रखा है, मतलब लेयर 3 पे इंपोर्ट करके रखा है. तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना एंड नाउ यू आर डन. आपका फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा. सो अब जाने से पहले आपको भी तो ये एनिमेशन चाहिए, तो ये एनिमेशन आपको मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे देखने को मिल जाएंगे जिसका लिंक मेरे बायो में. जल्दी से जाओ उधर जाके इसको ज्वाइन करो एंड जाने से पहले मेरे को फॉलो करके आना ऐसी और अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए.